किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं कुलदीप सिंह आपका गोल्डन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो किसान भाइयों, आज आया हूँ मैं पूनिया पिक फार्म पे, और चलते हैं अंदर, मिलते हैं फार्मर के ओनर से। तो किसान भाइयों, मिलते हैं इस फार्म के ओनर से। तो सर, अपना थोड़ा परिचय दीजिए किसान भाइयों को। सर, मेरा नाम रोबिन पूनिया, विलेज डालमपुर और डिस्ट्रिक्ट मेरठ। डिस्ट्रिक्ट मेरठ। तो सर जी, आपको फार्म करते हुए कितने साल हो गए सर? हमें फार्म करते हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। तो सर, कितनी मादा से सर आपने स्टार्ट किया था सर ये? हमने 15 प्रेग्नेंट मादा से स्टार्ट किया था ये फार्म। 15 प्रेग्नेंट मादा से। तो आप सर, आपके पास कितने हैं? अब हमारे पास 400 के करीब। 400 है, छोटे बड़े। कितनी मादा है? हमारे पास 40 मादा है इस टाइम। और ठीक है सर। तो सर, इस फार्म की मुझे चौड़ाई बताइए कि कितनी चौड़ाई है और कितना लंबा है सर ये आपका फार्म? हमारे फार्म की लंबाई है 150 फुट जी सर, और चौड़ाई हमारी 50 फुट। जी, बताइए जो ये है इसका केबिन साइज है। अंदर से ये है 9x11, 9x11 का, और बाहर है 11x11 का। 11x11 का। हाँ। कितने दिन के बच्चे हुए हैं सर ये? ये हमारे 2 महीने के बच्चे हैं। 2 महीने के हैं जी। इनमें वेट जा रहा है 30 kg, 35 kg लगभग है। हाँ। और ये सर? ये भी सेम है। तो ये कितने दिन के हैं सर ये? ये भी 2 महीने के बच्चे हैं। 2 महीने के बच्चे। ये 1.5 महीने के बच्चे हैं। 1.5 महीने के। ये 1.5 महीने के। क्या वेट हो रहा होगा सर इनमें? इनमें 25 के करीब, 20 और 25। 20 और 25। सर, इस दीवार की क्या ऊंचाई है सर ये? इस दीवार की 4.5 फुट। 4.5 फुट है। और गेट की क्या है सर ये? सेम गेट है, 4.5 फुट का। और गेट की चौड़ाई कितनी है? 3.5 फुट। 3.5 फुट की चौड़ाई है। और ये सर, ये बाहर से क्या है इसका? बाहर से जो पोर्शन है, बाहर से 11x11 का है ये। 11x11 का है। और ये जो आपने नान बनवाया है सर, ये 1.5 फुट है। ये 1.5 फुट चौड़ी है सर। और जी सर, ये पानी के निप्पल जो है सर, ये इनका क्या साइज है सर? हमारा एक 12 इंच पे है, दूसरा है ऊपर वाला 24 इंच। 24 इंच पे है सर ये। ये हमारी प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइमर। ये फर्स्ट टाइम वाला। हाँ। सारी प्रेग्नेंट माता है सर? सब प्रेग्नेंट है। ये भी हमारे 1.5 महीने के बच्चे हैं। इसका केबिन साइज क्या है सर? सेम है? नहीं नहीं, इसका ज़्यादा है। ये 14x11 का है बाहर से जी, और अंदर से 14x9 का है। 14x9 का है ये सर। ये भी फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट माता है। फर्स्ट टाइमर की है। तो सारी प्रेग्नेंट ही है सर ये? सब प्रेग्नेंट है इसमें। ये सर, ये हमारी सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर प्रेग्नेंट माता है सर। प्रेग्नेंट है ये। तो सर, ये पानी जो पानी की निकासी कहाँ जाती है सर? ये बाहर हमने खेत के बाहर एक जोड़ बना रखा है, उसमें जा रही है। जी, अच्छा जोड़ बना रखा है। हाँ, पीछे साइड फार्म के, पिछली तरफ फार्म। इस वाले केबिन में सर? इस वाले पर इसमें प्रेग्नेंट। तो ये इनके बारे में बताइए सर। ये मैं, ये हमारी फर्स्ट टाइमर है। ये भी फर्स्ट टाइमर है। ये भी प्रेग्नेंट है सर? हाँ, ये भी प्रेग्नेंट है। ये भी प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है। ये भी हमारी अभी दूध सेट है, इसके बच्चे दूध सेट आए। इधर क्या बच्चे हैं सर? हाँ, इधर बच्चे ही है। इधर प्रेग्नेंट मादा है, इधर भी। अच्छा अच्छा ये भी प्रेग्नेंट मादा है। ये बच्चे हैं सर? हाँ, इसमें बच्चे है। ये अभी दूध सेट है बच्चे। ये कितने दिन के हैं सारे बच्चे? ये 1 महीने के बच्चे हैं हमारे। 1 महीने के बच्चे हैं। ये कितने दिन के बच्चे हैं सारे? ये 1.5 महीने के बच्चे हैं। इसके बारे में बताइए सर, जो है
ये इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चे को फीड मिल जाए और मतलब जो मादा है वो फीड ना खाए बच्चों का। और सर्दियों में जो इनमें हम अपना बल्ब लगा देते हैं और बच्चों को इसमें कर देते हैं अंदर, तो सर्दी नहीं लगती। जी जी तो सर क्या साइज है सर इसका? इसका है 4x4 का, 4x4 का, 4 फुट ऊंचाई है और 4 फुट ही इसकी लंबाई है, और 1 फुट रस ये नीचे को बना रखा है, 1 फुट का ही बना रखा है। तो सर आपने फोकर सिस्टम भी लगा रखे? हाँ, फोकर भी लगा रखा हमने, ये गर्मी में चलाने से इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है एकदम। जी जी तो रोबिन सर इसके बारे में बताइए सर, जो ये है फीड है सर, आप ये खुद का बना रहे हो सर? हम ये खुद ही तैयार कर रहे हैं फीड, खुद ही कर रहे हो सर? तो ये आपने भिगो के खवाते हो सर? ये जो हमारी प्रेग्नेंट मादा है उसको भिगो के, और जो बच्चे हैं उनको सूखा, इन्हें सूखा खवाते हैं। कितनी ये 6 इंच 7 इंच चौड़ी है जी सर, और 6 इंच ये ऊंची है, हाँ ये पूरा रास्ता हमारा 6 फुट का है। 6 फुट गैलरी जो साइज क्या है सर? 6 फुट का है, 6 फुट का है। किसान भाई देखिए प्रेशर तो, प्रेशर भी अच्छा है। और तो सर ये बताइए कि जो आपका फार्म है इस पे टोटल जो स्ट्रक्चर में कितने रुपए का सर खर्चा आया था सर आपका? ये इसमें फार्म बनाने में हमारा टोटल खर्च 30-32 लाख के अप्रोक्स है। तो ये सर, तो सर इसमें कितनी मादा लेकर आए थे आप? हम 15 प्रेग्नेंट फीमेल लाए थे। तो 15 की है सर ये सब? हाँ ये सब 15 का है। तो सर आप अब तक आपने कितने लाख का माल बेच चुके सर? लगभग हम 20 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं। 20 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं सर। तो सर जो नए फार्मर के लिए सर क्या कहना चाहोगे सर आप? कैसा बिजनेस है? अच्छा है बिजनेस? बिजनेस तो ये हमारे हाथ में, अगर हम अच्छे से चलाएंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा, अगर हम इसको लेबर के ऊपर छोड़ देंगे तो हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये पार्ट टाइम वो नहीं है, इसमें फुल टाइम देना पड़ेगा तब जाके सक्सेस है। तो सर सेल में तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सेल में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सेल सही हो रही है, डेली डेली आता है कोई ना कोई लेने, सेल में कोई दिक्कत नहीं है, सेल सही है। तो सर नए फार्मर के लिए क्या कहना चाहोगे आप? नए फार्मर के लिए कहने चाहेंगे कि आप आइए काम करिए, बहुत अच्छा काम है, और अपना दिल से पूरा इसमें टाइम दो, सक्सेस ही सक्सेस है इस चीज़ में। तो सर आप करंट में सर आपके पास कितने लाख का माल होगा सर? हमारे पास 14-15 लाख रुपए का फिलहाल माल है, अभी हमने होली पे निकाला था माल जी सर, और 14-15 लाख का भी फिलहाल है सर। तो 2 साल हो गए सर आपको फार्म करते हुए? हाँ 2 साल हो गए। 2 साल क्या है सर ये? मक्का है क्या है सर ये? मक्का है हमारी। तो सर मुझे फीड के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या आप सर मिलाते हो? इसमें वो ये अपना मक्का होगी, DOC हो गई, और अपना नमक हो गया, प्रीमिक्स हो गया जी, यही सब आइटम। तो ये सर सारी सर ये मक्का ही लग रही है सर ये? हाँ इसमें ये सब मक्का है हमारी जी जी। और ये चक्की है सर? ये हमारी चक्की है। तो सर ये मिक्स करके रख रखा है सर ये? ये तैयार है फीड, तैयार है सर फीड। देखिए किसान भाइयों, जो किसान नए फार्मर है वो अपना फीड ही तैयार करे, और जब भी अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। देखिए देखिए किसान भाई सर, ये जो है स्टार्टर प्रीमिक्स है, ये जो बच्चा हमारे दूध से अटकाते हैं और 20 किलो तक हम स्टार्टर को फीड बना के इसको डालते हैं जी जी। तो सर इसमें फार्मूला बताइए सर, कौन सा फार्मूला लगाते हैं सर आप फीड बनाने में सर? इसमें जो हमारा स्टार्टर बनाते हैं उसमें हम 60 किलो तो मक्का हो गई, और 35 किलो इसमें DOC हो गया, और 3 किलो ये प्रीमिक्स, और 1 किलो नमक, और ये हमारा जो मतलब रिफाइंड वगैरह है, ये लैक्टोमैजिक हो ये डाल लो 1 किलो जी जी, तो हमारा स्टार्टर फीड तैयार हो जाता है। स्टार्टर फीड तैयार हो जाता है। तो मादाओं के लिए अलग बनाते हैं सर? मादाओं के लिए ब्रीडर है जिसका, उसको फेरोवर का फेरोवर बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा, सबका अलग अलग बनाते हैं।